इसी साथ मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह एक तरफ सोनू सूद जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरफ लोग जो कुछ लोग जो है उनके रास्ते में रोड़े अड़ाते हैं, लाइक आज उनके घर पे आज आईटी की रेड भी पड़ी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ आकर ही पता लगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो इन चीज़ों पर हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात हुई होगी कि उसकी खोजबीन करने के लिए इनकम टैक्स वाले पहुँचे हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये अलग बात है। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है ना, तो उसके लिए रोड़े तो बन ही जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो इंसान ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आज सरकार को करना चाहिए वो काम उन्होंने किया है, तो उनके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि वो आगे ही बढ़ेंगे, अब कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं है। सर, ये कहना चाहूँगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर शो भी करें गुड न्यूज़ पे, उस शो के बारे में थोड़ा बता दे तो अच्छा लगेगा कि क्या शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आगे करना है। आज तक चैनल ने एक नया चैनल शुरू किया है, गुड न्यूज़ टुडे, GMT। गुड न्यूज़ टुडे में मैं भी हूँ, सोनू सूद भी हैं। सुबह 7 बजे मैं उसमें अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ इस कार्यक्रम में आता हूँ, और शाम को सोनू सूद आते हैं, वो भारत की कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर उसके बारे में बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, और आज सुबह ही हमने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नया चैनल लखनऊ में लॉन्च किया, तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव थॉट वाले चैनल्स अब आने लगे हैं, जिसमें ना कहीं कोई रेप की खबर है, ना कहीं कोई मर्डर की खबर है, वहाँ खबर यही है कि अच्छी अच्छी बातें क्या हो रही हैं समाज में, इसकी बहुत ज़रूरत थी और वो होने लगा है। आपका पढ़ देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आईटी की रेड आज सोनू सूद के घर पे पड़ी, क्या आप ये मानते हैं कि एक अच्छा इंसान, कोई भी अच्छा से जो अच्छा काम करता है, पूरा मसीहा की तरह जानते हैं कि एक कोई भी जब अच्छा काम करने जाता है तो राह में रोड़े होता? सर बिल्कुल सर, अभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने बोला ना कि लोग तो रोड़े डालेंगे डालेंगे, लेकिन वो आगे बढ़ते ही जाएंगे सर, ये मेरे दिल की दुआ है।